यूपी में बुलडोजर खूब दौड़ रहा है। माफिया हो, अपराधी हो, हर किसी को इस बुलडोजर से खौफ पैदा हो रहा है। लेकिन बलिया की ये विधायक बुलडोजर की कार्रवाई पर आग बबूला हो गई। मामला है बलिया का, जिसे अखिलेश यादव ने भी हाथों हाथ लिया। दरअसल बलिया जिले की बांसडी विधायक केतकी सिंह से संबंधित एक वीडियो शेयर कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। ये पूरा मामला किसी के घर पर बुलडोजर चलने से जुड़ा है। बिना सूचना के तहसील प्रशासन के कुछ अधिकारियों द्वारा किसी के घर पर बुलडोजर चलाने से नाराज विधायक तहसील पहुंच गई। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि केतकी सिंह का प्रतिनिधि राजीव दुबे बहुत आक्रोशित अंदाज में बात कर रहा है, और किस तरह का पूरा वीडियो है जरा देख लीजिए। उस कुर्सी का मान सम्मान देकर आपसे बात कर रही हूँ। मैंने आपको एक छोटी सी बात कही, आपने उसका सम्मान क्यों नहीं रखा? सम्मान ये रखा क्या बुलडोजर लेकर चले आए? सम्मान रखा नहीं। अगर ये सम्मान तो फिर यही सम्मान तो मेरे लोग भी आपको लौटाएंगे, फिर इसी भाषा में, क्योंकि आपके पास था बुलडोजर की ताकत, आप लेकर चले आए। हमारे पास सब तो की ताकत, तो ये आप ये बताइए कि घर गिरा देते तभी, तब तो फिर पूछना ही नहीं, तब तो मैं खुद ही आग लगा देती पूरे तहसील में। तो पूरा आपने उस पे बुलडोजर चला दिया और अभी भी आपने मेरा सम्मान रखा है? मैंने यहाँ के बात सुनने की, रुक जा, तू घर वाले के गाड़ी आके चला। आप पूरा घर फंसा देते, उसका मतलब नहीं है। एक बार जब विधायक जी बोल दी कि आज रुकिए तो तहसील को रुकना पड़ेगा, आग लगा देंगे हम तहसील में। क्या समझते हैं आप? बड़ा तुम मानो चुप प्लेटफॉर्म को बोला, अरे आराम से बुलाइए इसको। नहीं मैं विधायक, क्या समझते हैं आप? अब यार की कहानी अलवे, क्या समझते हैं विधायक का मतलब? अभी रुका है इतना चलने के लिए, सारे तलब फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। इसी वीडियो को ट्वीट कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा कि विकास कार्यों के नाम पर जिस बेहिसाब दर पर सत्ता से जुड़े लोगों को करोड़ों का मुआवजा दिया जा रहा है, वही दर आम आदमी को भी दी जाए, वह उनको भी जिनके जायज निर्माण पर केवल विद्वेषवश बुलडोजर चलाया गया है। भाजपाइयों को लाभ पहुंचाने में मुआवजा भ्रष्टाचार का नया तरीका बन गया है। इधर इस पूरे मामले पर केतकी सिंह ने कहा कि किसी गरीब का घर गिरा दिया जाए ये सही नहीं है, और किस तरह की कार्रवाई के बारे में केतकी सिंह ने बयान दिया आप खुद ही सुनिए। आपका एक वीडियो जो है वायरल हुआ है, जिसमें आप एक तहसीलदार को जो है कह रही हैं कि मैं बुलडोजर की वजह से कि मैं तहसील में आग लगा दूंगी, एक्चुअली ये क्या मामला है पूरा? देखिए मामला ये था कि कुछ फरियादी मेरे पास सुबह आए, हाँ, और उन्होंने ये बताया कि हमारे परदादा ने बिना जानकारी के, बिना एक सौर की जमीन होती है हर गाँव में अमूमन होती है, वो ज़मीन ऐसी होती है जहाँ बच्चे को पहले पुराने ज़माने में लोग महिलाएं पैदा करती थी, तो वो ज़मीन उसके लिए बुक हो जाती है। तो उनके परदादा ने जानकारी के अभाव में वहाँ पे एक मकान बना लिया, मकान बना लिया। अब जो है जब सारी जानकारियाँ हो रही हैं, सरकार हमारी बहुत एक्टिव है हर सरकारी ज़मीन के लिए, तो ये पता चला कि उनका वहाँ मकान बना हुआ है। वो बेचारे, उनका बंदर कूद गया तो छप्पर टूट गया था, तो वो अपनी छप्पर ढा रहे थे, तो बिना किसी नोटिस के वहाँ पे कुछ अधिकारी पहुंच गए बुलडोजर लेकर और उसके घर को बुलडोजर चला दिया उसके घर के ऊपर, जिसमें कुछ उसका हिस्सा टूट गया। और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का साफ ये कहना है कि किसी भी गरीब के घर पर या उसके किसी रोजी रोटी पर आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, जब तक आपके पास कोई उचित कारण ना हो। उचित कारण भी हो तो भी आप गरीब के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते, बस यही मांग। आपके आपके जो सामने तहसीलदार साहब को बोल रहे हैं वो कौन व्यक्ति हैं? देखिए अब जिसके घर पे बुलडोजर चलेगा या जिसके रिश्तेदार के घर पे बुलडोजर चलेगा, वो तो फूल तो बरसाने से रहा। मुझे ये लगता है कि आप लोग इस बात से अग्री करेंगे, उसके मन में तो होगा ना, मेरा घर, उसके जीवन का घर टूट गया, वो क्या करेगा? तो मतलब जिसका घर था उसके रिश्तेदार थे वो? हाँ, उसके रिश्तेदार। ऐसे में बुलडोजर तो चल रहा है अपराधियों पर, माफियाओं पर, लेकिन अगर किसी गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर चले तो क्या ये सही है? आप भी अपनी राय रखिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क के साथ।